दमदमी टकसाल के मुखी और संत समाज के प्रधान संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने मोदी सरकार वालों पास किए खेती बिलों खिलाफ किसानों वालों किए जा रहे देश व्यापी संघर्ष की हिमायत में उतरदा किसान जथेबंदियों वालों 25 सितंबर को पंजाब बंद के दिए गए सदे को असफल बनाने की पंजाबवासियों को पुरजोर अपील की है। उन्होंने कहा कि दमदमी टकसाल पंजाब के किसानों के हक में चट्टान वांग खड़ी है। उन्हें कहा कि देश में अनाज पक्षों आत्मनिर्भर करने वाली किसानी बेहतर वर्ताओ के हकदार ने, पर अफसोस कि अज सरकार गलत नीतियां कारण किसान सड़कों के उतरने लिए मजबूर हो गया। उन्हें कहा कि किसानी अज भी देश की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी है और खेती बिलों संबंधी पहला ही कर्जे के बोझ हेठ सहक रही किसानी के तौखले दूर करने में मोदी सरकार का पूरी तरह नाकाम रहना बेहद चिंताजनक है। उन्हें कहा कि अकाली नाल पास किए गए खेती बिलों को लेकर संसद तो लेकर सड़क तक उठ रहे रोह और रोसमी बुलंद आवाज कारण बन रहे बेहद चिंताजनक विस्फोटक माहौल अखों परोखे नहीं किया जाना चाहिए, सगो संसद में पास किए गए उक्त खेती बिलों प्रति मुड़ विचार करद वापस लैन और इसका संतुष्टिजनक हल कढ़न की लोड़ है। उन्हें राजसी पार्टियों भी किसानी के इस संवेदनशील मुद्दे से राजनीति करने की थान इस औखी घड़ी में किसान आड़ती खेत के मंडी मजदूरों दावनावान नज़रअंदाज ना कर सगों उन्होंने पूर्ण साथ देन केंद्र की मोदी सरकार वालों पास किए गए खेती संबंधी बिलों के खिलाफ स्टैंड लैन लिये कहा। उन्हें कहा कि अज कोरोना की महामारी और चीन के नाल वध रहे टकराव के समय देश को होर शक्तिशाली बनाने की थान मोदी सरकार वालों किसानों नाल चल रहा देशव्यापी टकराव देश के हित में नहीं है, क्योंकि इस समय अजिहा अंदरूनी टकराव देश को होर भी कमजोर करने में सहाय होगा। उक्त बिलों नाल देश के हितों को पुजन वाले नुकसान के खतरे की समीक्षा भी की जानी चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकॉम टीवी।